हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं उठा हूँ। आज तो जल्दी उठ गया हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि आज अभी उठते मुझे जाना है पापा जी को खेत छोड़ने के बाद। देखते हैं आज क्या होता है, क्या प्लान होता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। गाइस, जैसे ही हम घर से निकलते हैं तो बाइक के जो अगले वाले ब्रेक है वो अपना आप लगने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं दुकान पे ठीक करवाने के लिए। और ठीक करवाने जैसे हम आते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये ब्रेक की जो अगली वाली वायर है ये ख़राब है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं फटाफट चेंज कर दो, हमें हो रहा है लेट। तो गाइस, अभी हम खेत पहुँच गए हैं और पापा जी ने यहाँ पे छोड़ दिया खेत। तो हमारा है नहर के उस पार, उधर वाला खेत। ये कभी आपको बताएंगे, टूर कराएंगे खेत का। तो अभी तो मुझे इतना ही काम है, तो अभी मुझे यहाँ से सीधा वापस जाना है घर पे। और जाते हुए व्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बाइक चला रहा हूँ। अच्छा। तो गाइस, अभी घर पे आया हूँ पापा जी को छोड़ के। और छोड़ के आते ही ये देखो, ये अर्षित जो ये घर पे आ रखा है। और मैंने इससे पूछा आज स्कूल क्यों नहीं गया, तो बहाना सुना इसका, कहता है कि आज मंगलवार है। और आज शनिवार है, कह रहा मंगलवार है, तो आज खाना खाने जाना है। पता नहीं कौन कौन से बहाने लेके आए ये नए तरीके के, लेकिन स्कूल जा नहीं रहा। तो गाइस, अभी खा लेते हैं खाना क्योंकि लग चुकी है भूख। और किचन में आते ही मम्मी ने बना रखे हैं आज आलू के पराठे, तो मैं खाने वाला हूँ आज गर्मा गर्म आलू के पराठे दही के साथ। तो ये खाते तो मज़ा ही आ जाएगा, क्या बात है। गाइस, अभी मैं आ गया हूँ पीछे गायों के पास, क्योंकि थोड़ा सा काम है। काम कुछ ये है कि पापा लाए हैं ट्रॉली भर के मिट्टी, तो वो गायों के नाखनी है मिट्टी, क्योंकि कल बारिश जो आई थी उसकी वजह से हो रखा है कीचड़, फुल कीचड़ हो रखा है। तो अपन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और कीचड़ को ज़्यादा ही हो रखा है क्योंकि ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो यार बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, तो ये परेशानी हमें ख़त्म करनी है। बीकानेर, पापा ने बोला बीकानेर जाना है। और काम कुछ ये है कि मेरे को मंडी से मोट लेके आना है, तो अभी यहाँ से मैं अपने एक दोस्त को लूँगा, फिर हम दोनों निकलेंगे और मंडी से मोट लेके आएंगे। ये हमारी धान मंडी, और अभी अभी अपने मोट जो है वो ले लिए हैं और यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी ये पूरी मंडी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो दुकान थी। तो अब यहाँ से मोट ले लिए, अब यहाँ से वापस चलते हैं और थोड़ा सा कुछ नाश्ता भी कर लेंगे रास्ते में, क्योंकि बीकानेर आए थोड़ी सी भूख तो लग ही जाती है। अच्छा, नाश्ता करते हुए चलेंगे। ये भाई कह रहे हैं ये नींद में थोड़ा सा है ना, नाश्ता करेंगे ना, जिमण करेंगे भंडारा। अरे बस कर भाई, उधर आना।
हैं भिखराम चांदमल, और यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं मम्मी पापा के लिए खाने के लिए, अंदर बैठ के फटाफट से लेके फिर रवाना होएंगे अपने घर जाके ही रुकेंगे गाइस। तो ले लिया फटाफट भैया पैक कर दे के बाद। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और अभी टाइम हो रखा है 6 बज चुके हैं, और मौसम काफी बढ़िया है, लेकिन क्या करें कोई क्रिकेट खेलने वाला है नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अफसोस गाइज अभी ले लिया है कट्टर हाथ में, और अपन को जो बेल है उसको कट करना है, क्योंकि कल नहीं परसों ना, हाँ परसों जो तूफान आया सारी गिर चुकी है और ख़राब हो चुकी है, तो उसको अब हटाना पड़ेगा। मम्मी ने बोला है साफ सफाई करनी है, तो अभी यही कर लेता हूँ, और कोई काम है नहीं मेरे पास। तो ये जो गिलोय है ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये वाली है ये बेल, तो इसको आज पूरा साफ कर देंगे हटा देंगे। जो वो बेल थी वो पापा जी ने हटा दी है, पहले थोड़ा सा मैंने गया था, अब उसके बाद मैं भी चला गया था बाहर, अब आया हूँ तो सारी तो हट चुकी है। ये देखो पीछे अब भी थोड़ी देर के बाद एक और गाय को पानी पिलाना है, उसके बाद खाना खाना है। के साथ आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज के पूरे दिन का शेड्यूल मैंने आपको दिखाया, और आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। ओके दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।